हेलो दोस्तों, मैं संदीप मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल SM क्लासेस में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे टेरिडोफाइट के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हेटरोस्पोरी एंड सीड हैबिट के बारे में। तो इससे रिलेटेड सबसे पहले हम बात करेंगे हेटरोस्पोरी के बारे में, फिर जानेंगे इसके ओरिजिन के बारे में, और इसके बाद इसके सिग्निफिकेंस, इससे होने वाले लाभ के बारे में हम जानेंगे। इसके बाद बात करेंगे हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीड हैबिट की, और सीड हैबिट का ओरिजिन कैसे हुआ है, इन सभी पॉइंट को डिस्कस करेंगे। और ये लेक्चर आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है, और आपसे रिक्वेस्ट है कि हर पॉइंट को आप बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा, उसको देखिएगा, और मैंने हर टॉपिक से रिलेटेड कोई ना कोई फिगर ज़रूर दिए हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्ज़ाम और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का टॉपिक हेटरोस्पोरी एंड सीड हैबिट। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं हेटरोस्पोरी के बारे में। मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट प्रोड्यूस वन काइंड ऑफ सिमिलर स्पोर, सच टेरिडोफाइट आर नोन एज होमोस्पोरस एंड दिस फिनोमिनन इज नोन एज होमोस्पोरी। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो ज़्यादातर टेरिडोफाइट्स होते हैं उनमें एक ही तरह के स्पोर पाए जाते हैं, और ऐसे स्पोर को हम बोलते हैं होमोस्पोरस, और इस घटना को हम बोलते हैं होमोस्पोरी। जैसा कि आप लोगों ने लाइकोपोडियम में और एक्विसिटम में देखा था कि उनमें एक ही तरह के स्पोर पाए जाते हैं। हाउएवर, देयर आर सम टेरिडोफाइट विच प्रोड्यूस टू डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर विच आर डिफरेंट इन साइज, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इज कॉल्ड हेटरोस्पोरस एंड दिस फिनोमिनन इज नोन एज हेटरोस्पोरी। और कुछ ऐसे टेरिडोफाइट्स होते हैं जिनमें कि अलग अलग प्रकार के स्पोर होते हैं जो कि आपके साइज, स्ट्रक्चर और फंक्शन तीनों में अलग होते हैं, और ऐसे स्पोर को हम बोलते हैं हेटरोस्पोरस, और इस घटना को हम बोलते हैं हेटरोस्पोरी। द टू टाइप ऑफ स्पोर आर माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। तो ये जो दो तरह के स्पोर होते हैं उसमें एक छोटा स्पोर होता है जिसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर, और जो बड़ा होता है इसको बोलते हैं मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर आर स्मॉलर इन साइज एंड डेवलप इनटू द मेल गैमेटोफाइट, व्हाइल द मेगास्पोर आर लार्ज एंड डेवलप इनटू फीमेल गैमेटोफाइट। तो जैसा कि मैंने बताया थी, जो माइक्रोस्पोर होते हैं वो माइक्रोस्पोरेंजिया में प्रोड्यूस होते हैं, और जो मेगास्पोर होते हैं वो मेगास्पोरेंजिया में प्रोड्यूस होते हैं, और ये स्मॉल साइज के होते हैं माइक्रोस्पोर, और ये बनाते हैं मेल गैमेटोफाइट। और जबकि जो मेगास्पोर होते हैं वो मेगास्पोरेंजियम में प्रोड्यूस होते हैं, और ये प्रोड्यूस करते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। अकॉर्डिंग टू रसीद इन 1976, ओनली 9 जेनरा ऑफ टेरिडोफाइट्स आर हेटरोस्पोरस। तो यदि हम बात करें रसीद के अनुसार, उन्होंने जितने भी टेरिडोफाइट्स हैं उनमें केवल जो 9 जेनरा होते हैं वो हेटरोस्पोरस होते हैं। दीज आर सेलेजनेला, आइसोइटिस, स्टाइलाइट्स, मार्सिलिया, पिलुलेरिया, रिजेंड्रीडियम, साल्वाइनिया, एजोला एंड प्लेटाइजोमा। तो टेरिडोफाइट्स में ये कुल 9 जेनरा हैं जो कि आपके प्रोड्यूस करते हैं हेटरोस्पोरस, अर्थात ये दो तरह के स्पोर बनाते हैं, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। नेक्स्ट हम बात करेंगे ओरिजिन ऑफ हेटरोस्पोरी। तो हेटरोस्पोरी का ओरिजिन क्यों हुआ इसके बारे में जानेंगे। तो पहले मैं आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट समझा दूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हेटरोस्पोरी का ओरिजिन क्यों हुआ। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ते आया कि सबसे पहले जब हम लोग प्लांट किंगडम पढ़ते हैं तो सबसे पहले अगर हम लोगों ने पढ़ा है या आपने सबसे पहला फर्स्ट पेपर देखा होगा तो उसमें सबसे पहले हम लोगों ने बैक्टीरिया पढ़ा, फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा फंजाई, फिर उसके बाद एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, फिर उसके बाद जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। इस एक सिस्टम से हम लोगों ने पूरा क्लासिफिकेशन को पढ़ा। तो जैसे कि आपने लास्ट अभी पढ़ा होगा टेरिडोफाइट से पहले ब्रायोफाइटा पढ़ा था, तो ब्रायोफाइटा में आपने सभी देखा कि होमोस्पोरस होते हैं, मतलब उनमें कि बस एक ही तरह के स्पोर बनते हैं। लेकिन जब आप लोगों ने टेरिडोफाइटा पढ़ा तो टेरिडोफाइटा में आपने देखा कि इसमें होमोस्पोरी भी होते हैं और हेटरोस्पोरी भी होते हैं। और आगे जब आप जिम्नोस्पर्म पढ़ेंगे तो जिम्नोस्पर्म में आप देखेंगे कि सिर्फ उसमें मेगास्पोर बनते हैं और माइक्रोस्पोर अलग बनते हैं। और जो मेगास्पोर बनता है, मतलब जो ओव्यूल होता है, जनरली जब जिम्नोस्पर्म में आप पढ़ेंगे तो उसमें मेगास्पोर नहीं रहेगा, उसमें क्या रहेगा, ओव्यूल रहेगा। और ओव्यूल किसके अंदर रहेगा, एक स्ट्रक्चर के अंदर कवर्ड होता है जिसे हम बोलते हैं इंट्यूगमेंट। तो आप ये देख सकते हैं कि जो टेरिडोफाइट्स हैं, टेरिडोफाइट्स एक कनेक्टिव लिंक है आपके होमोस्पोरी और हेटरोस्पोरी के बीच, क्योंकि ये दोनों कैरेक्टर्स शो करते हैं। और जो हेटरोस्पोरी
है कंडीशन। जनरली सेलेजनेला की बात करें तो ये जो हेट्रोस्पोरिक कंडीशन है ये आपको दिखाता है कि जो ओव्यूल्स है, जो एडवांस टाइप के आज के ओव्यूल्स हैं जो कि एंजियोस्पर्म में पाए जाते हैं, उनका ओरिजिन हुआ है टेरिडोफाइट से। तो आइए हम ओरिजिन के कुछ एविडेंस जानते हैं और इनके बारे में पढ़ते हैं। द ओरिजिन ऑफ हेट्रोस्पोरी कैन बी बेटर डिस्कस ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस फ्रॉम द पैलियोबॉटनी डेवलपमेंट एंड एक्सपेरिमेंटल स्टडी। तो जैसा कि मैंने बताया कि इनके ओरिजिन को हम एविडेंस के थ्रू देखेंगे और हम तीन तरह के एविडेंस को डिस्कस करेंगे। पहला है पैलियोबॉटनिकल, सेकेंड है डेवलपमेंट और थर्ड है एक्सपेरिमेंटल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पैलियोबॉटनिकल एविडेंसेस की। इट हैज़ बीन सजेस्टेड दैट हेट्रोस्पोरी अराइजेस ड्यू टू डीजनरेशन ऑफ सम स्पोर इन ए फ्यू स्पोरेंजिया एज मोर न्यूट्रिशन बिकम्स अवेलेबल टू लेस नंबर ऑफ स्पोर द सर्वाइविंग स्पोर ग्रो बेटर हैंस इंक्रीज इन द साइज। तो यदि हम बात करें पैलियोबॉटनिकल एविडेंस की तो ये माना जाता था कि जो हेट्रोस्पोरी होती है इनका फॉर्मेशन होता है जब न्यूट्रिशन बहुत अधिक अवेलेबल होता है। अगर न्यूट्रिशन कम होता है तो जो आपके स्पोर होते हैं वो माइक्रोस्पोर होते हैं, छोटे होते हैं, लेकिन अगर न्यूट्रिशन की मात्रा अधिक होती है तो वो प्रोड्यूस करते हैं मेगा स्पोर। जैसे बात करें हम पहले बॉटनिकल एविडेंसेस सो दैट द अर्लियर वस्कुलर प्लांट ऑल होमोस्पोरस एंड द हेट्रोस्पोरस कंडीशन अपियर्ड इन द लोअर मोस्ट अपर डिवोनियन। ए नंबर ऑफ हेट्रोस्पोरस जेनरा बिलोंग टू द लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा वेयर नोन एज द लेट डिवोनियन एंड अर्ली कार्बोनिफेरस पीरियड। तो यदि हम वनस्पतिक जीवाश्म अर्थात पैलियोबॉटनिकल एविडेंस की बात करें तो जो अर्लियर वस्कुलर प्लांट थे जैसे कि टेरिडोफाइट्स में मैंने बताया था कि शुरू में होमोस्पोरस थे, जैसे आज भी हम लोगों ने कुछ जातियाँ शुरू में पढ़ा वो थे होमोस्पोरस, और जो बाद की जातियाँ थी वो आपके जो प्रोड्यूस की वो हेट्रोस्पोरस थी। और इनका जो अगर से बात करें ओरिजिन जनरली अपर डिवोनियन पीरियड में हो गया था। ए नंबर ऑफ हेट्रोस्पोरी जेनरा बिलोंग टू लाइकोस्पिडा, जो ढेर सारे हेट्रोस्पोरस थे जनरली लाइकोस्पिडा, स्पेनोस्पिडा और टेरोस्पिडा, ये सभी लेट डिवोनियन पीरियड और जो अर्ली कार्बोनिफेरस पीरियड है उनमें इनका ओरिजिन हुआ था। ये सभी जो एविडेंसेज हैं वो पैलियोबॉटनिकल एविडेंसेज के थ्रू बताया गया है। सेकेंड हम बात करेंगे एविडेंसेस फ्रॉम डेवलपमेंटल स्टडी। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि कैसे डेवलपमेंट प्रोग्रेस हुआ और कैसे डेवलपमेंट में ये चेंज हो गए होमोस्पोरी से हेट्रोस्पोरी। इन हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो एंड मेगा स्पोरेंजिया फॉलो द सेम पैटर्न, दे हैव आइडेंटिकल ऑर्गेनाइजेशन बट फॉर देयर साइज। वाइल इन मेगा स्पोरेंजिया मोस्ट ऑफ द स्पोर मदर सेल डीजेनरेट बट इन माइक्रोस्पोरेंजिया ओनली ए फ्यू मदर सेल आर डिसऑर्गेनाइज। यदि हम बात करें टेरिडोफाइट्स में माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगा स्पोरेंजिया के डेवलपमेंट की तो इनके डेवलपमेंट का जो पैटर्न होता है वो सेम होता है और ये आइडेंटिकल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं बट ये डिफर होते हैं केवल साइज में। तो जो मेगा स्पोरेंजिया होता है जनरली स्पोर मदर सेल से बनता है और माइक्रोस्पोरेंजिया होता है वो माइक्रोस्पोर मदर सेल से बनता है, बट जो मेगा स्पोरेंजिया बनता है उसमें मैक्सिमम जो सेल होते हैं मेगा स्पोर मदर सेल का वो डीजेनरेट होते हैं, बट माइक्रोस्पोरेंजिया में जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होते हैं उसमें बहुत कम ही डीजेनरेट होते हैं। अगर आप लोगों ने टेरिडोफाइट्स में पढ़ा होगा उनके डेवलपमेंट को तो आपने देखा होगा कि जब माइक्रोस्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होता है तो माइक्रोस्पोर मदर सेल से होता है, तो उसमें मैक्सिमम जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होते हैं माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन जो मेगा स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट होता है तो उसमें मैक्सिमम सेल डीजेनरेट होते हैं और बहुत कम सेल ही रह पाते हैं और वो प्रोड्यूस करते हैं आपके मेगा स्पोर। तो एक तरह से देखें कि डेवलपमेंट मतलब मियोसिस तक का पैटर्न सेम है, बस लास्ट जो पैटर्न आता है डेवलपमेंट का वहीं पर वो डिफर हो जाते हैं। इन मार्सिलिया, साल्विनिया एंड एजोला द फिनोमिनोन ऑफ हेट्रोस्पोरी बिकम डिस्टिंक्ट आफ्टर मियोसिस। इन मार्सिलिया 64 माइक्रोस्पोर एंड 64 मेगास्पोर आर फॉर्म आफ्टर मियोसिस इन माइक्रोस्पोरेंजियम एंड मेगास्पोरेंजियम रिस्पेक्टिवली। इन माइक्रोस्पोरेंजियम ऑल द माइक्रोस्पोर आर फंक्शनल वाइल इन मेगास्पोरेंजियम ओनली वन मेगास्पोर इज फंक्शनल एंड रेस्ट आर डिजेनरेट। तो जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया था कि जो डेवलपमेंट होता है चाहे माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया का सिमिलर होता है, बस मियोसिस के बाद डिफर हो जाता है। तो वहीं अगर हम एग्जांपल के रूप में लें मार्सिलिया, साल्विनिया और एजोला,
तो इसमें जब हेटरोस्पोरी का फॉर्मेशन होता है मियोसिस के बाद, तो 64 माइक्रोस्पोर और 64 मेगास्पोर दोनों बनते हैं। लेकिन जो माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोर बनते हैं वो सभी 64 माइक्रोस्पोर बन जाते हैं। बट यदि अगर हम बात करें मेगास्पोरेंजियम में मेगास्पोर की, तो सभी डीजनरेट कर जाते हैं 64 में से, केवल वन ही मेगास्पोर फंक्शनल रहता है, बाकी रेस्ट ऑफ डीजनरेट हो जाते हैं। आइए बात करते हैं थर्ड एविडेंस की, एविडेंसेस फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल स्टडीज। एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑन सेलेजनेला एंड मार्सिलिया सजेस्ट दैट न्यूट्रिशनल फैक्टर मेनली गवर्न द हेटरोस्पोरी अंडर द कंडीशन ऑफ लो लाइट इंटेंसिटी। फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी ऑफ सेलेजनेला वाज रिटार्डेड एंड इट प्रोड्यूस माइक्रोस्पोरेंजिया बाय सडन लोअरिंग द टेम्परेचर। द साइज ऑफ माइक्रोस्पोर इन द स्पोरोकार्प ऑफ मार्सिलिया इंक्रीज बाय 6 times। तो यदि हम बात करें एक्सपेरिमेंटल स्टडी की, तो सेलेजनेला में जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी किया था गोबेल ने किया था 1905 में, और मार्सिलिया में सॉटक ने 1910 में किया था। और उन्होंने सजेस्ट किया था कि जो न्यूट्रिशनल फैक्टर होता है, जो पोषण वाला फैक्टर होता है, वही हेटरोस्पोरी प्रोड्यूस करता है। तो जैसे अगर लो इंटेंसिटी होता है, फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी जो कम होती है, तो माइक्रोस्पोरेंजिया प्रोड्यूस होते हैं। और अगर सडन, अगर अचानक लो टेम्परेचर हो जाता है और फोटोसिंथेटिक की रेट बढ़ जाती है, तो मार्सिलिया में जो मेगास्पोर के फॉर्मेशन की जो मेथड होती है या प्रोसीजर होती है, वो 6 times अधिक तेज़ी से होती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर न्यूट्रिशन कम मिलता है तो माइक्रोस्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होता है, और न्यूट्रिशन अधिक मिलता है तो मेगास्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होता है। तो ये एविडेंसेज हैं आपके एक्सपेरिमेंटल स्टडीज। आइए हम नेक्स्ट बात करते हैं बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ हेटरोस्पोरी। तो जो हेटरोस्पोरी का महत्व क्या है बायोलॉजिकल सेंस में, द फिनोमिनोन ऑफ हेटरोस्पोरी इज ऑफ ग्रेट बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑन अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स। फर्स्ट अगर हम बात करें, द डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट स्टार्ट वाइल द मेगास्पोर इज स्टिल इनसाइड द मेगास्पोरेंजियम। तो जो मेगास्पोरेंजियम का, या मतलब जो फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन अब स्टार्ट हो गया था मेगास्पोरेंजियम के अंदर, क्योंकि अगर आप जब शुरू में पढ़े होंगे जो होमोस्पोरस होते हैं, तो उसमें मेल और फीमेल हमेशा गैमेटोफाइट बाहर बनते हैं। लेकिन अगर आपने हेटरोस्पोरी पढ़ा होगा, तो जो माइक्रोस्पोर है वो माइक्रोस्पोर से बनता था एंथेरोजॉइट, जो कि बाहर बनता था। लेकिन जो मेगास्पोरेंजियम के अंदर मेगास्पोर बनता था, वो आपका किस में बनता था, मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही रहता था, और वो कन्वर्ट हो जाता था एक सेल में, मतलब फीमेल गैमेटोफाइट में। तो इस तरह से धीरे धीरे जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो मेगास्पोरेंजियम के अंदर बनना शुरू हो गया। सेकंड अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें, सेम इज ट्रू ऑफ माइक्रोस्पोर, दैट इज दे आल्सो स्टार्ट जर्मिनेट इनटू मेल गैमेटोफाइट व्हाइल दे आर स्टिल इनसाइड माइक्रोस्पोरेंजियम। अब उसी प्रकार जो माइक्रोस्पोर थे जो कि मेल गैमेट बनाते हैं, वो भी माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर रहना शुरू हो गए। तो जैसा कि हम लोगों ने जिम्नियोस्पर्म एंजियोस्पर्म में देखा है कि जो पोलन ग्रेन होते हैं उनका फॉर्मेशन किसके अंदर होता है, आपके माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ही होता है। द फीमेल गैमेटोफाइट डिराइव्स इट्स नरिशमेंट फ्रॉम द स्पोरोफाइट, दैट मीन इस फीमेल गैमेटोफाइट इट्स डिपेंड ऑन स्पोरोफाइट फॉर इट्स नरिशमेंट। तो जैसा कि हम लोगों ने टेरिडोफाइट्स में पढ़ा था कि उसमें जो मेल या फीमेल गैमेटोफाइट होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं स्पोरोफाइट से, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हुआ, जैसे जैसे हेटरोस्पोरी का फॉर्मेशन हुआ, तो होने क्या लगा कि जो फीमेल गैमेटोफाइट थे वो अपना न्यूट्रिशन किससे लेना शुरू कर दे, स्पोरोफाइट से। तो एक तरह से जो गैमेटोफाइट स्टेज है वो डिपेंड करता था स्पोरोफाइट से। ये सब चीज़ें हम लोग जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में पढ़ेंगे। लास्ट पॉइंट है द डिपेंडेंस ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट ऑन स्पोरोफाइट फॉर इट्स नरिशमेंट provides better starting point for the development of new embryo than an independent green prothallus which has to manufacture its own food। तो जैसा कि हम लोगों ने टेरिडोफाइट्स में देखा था कि उसमें जो गैमेटोफाइट होते थे, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता था, तो वो प्रोथैलस के अंदर होता था। लेकिन जैसे जैसे ओरिजिन हुआ हेटरोस्पोरी का, तो जो फीमेल गैमेटोफाइट थे वो स्पोरोफाइट से ही न्यूट्रिशन लेने लगे। तो ये क्या थे, पूरी तरह से डिपेंडेंट थे स्पोरोफाइट पे, इन्हें कोई भी इंडिपेंडेंट प्रोथैलस की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि आप देखते थे कि प्रोथैलस में जो टेरिडोफाइट्स के थे उसमें
क्लोरोप्लास्ट होता था और वहीं से वो न्यूट्रिशन लेते थे। लेकिन जैसे जैसे ये स्पोरोफाइट पे ही बनने लगे तो इन्हें कोई भी प्रोथेलस की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस थे हेट्रोस्पोरी के। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं सीड हैबिट इन टेरिडोफाइट्स, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। द एडॉप्टेशन ऑफ हेट्रोस्पोरी एंड द रिटेंशन एंड जर्मिनेशन ऑफ ए सिंगल मेगास्पोर विद इन द मेगास्पोरेंजियम टू फॉर्म ए फीमेल गैमेटोफाइट लीड टू द फिनोमिनन ऑफ सीड हैबिट। ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द स्पर्मेटोफाइट्स ए सीड इज द ओव्यूल विच कंटेन एन एम्ब्रियो डेवलप एज ए रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो पहले मैंने बताया कि सीड हैबिट क्या होता है, पहले ये जान लीजिए। तो जैसा हम लोगों ने पीछे हेट्रोस्पोरी पढ़ा, तो हेट्रोस्पोरी में प्रोड्यूस किया हुआ मेगा स्पोर। तो जो मेगा स्पोर होता है, जो मेगा स्पोर की प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है कि वो मेगा स्पोरेंजियम के अंदर ही क्या होता है, डेवलप होता है और फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करता है और यही आगे कहलाता है सीड हैबिट। और ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है स्पर्मेटोफाइट जैसे कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में जैसे कि हम लोगों देखा कि एडवांस है, इसमें जो ओव्यूल होता है वो फीमेल गैमेटोफाइट है, वो जो कि इंट्यूगमेंट के थ्रू घिरा होता है। तो इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, तो इसमें क्या है कि जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो ओव्यूल के अंदर ही हमेशा रहता है। तो जो स्टार्टिंग में टेरिडोफाइट से जो मेगा स्पोर बने हैं वो मेगा स्पोरेंजियम के ही अंदर रहने का एक क्वालिटी डेवलप कर लेते हैं, एक प्रॉपर्टी डेवलप कर लेते हैं और उसी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं सीड। और इस प्रकार से ओव्यूल से फॉर्मेशन होता है सीड का फर्टिलाइजेशन के बाद और यही प्रॉपर्टी कहलाती है सीड हैबिट। कहने का मतलब है कि सीड का फॉर्मेशन ओव्यूल से होना और वो सीड मेगा स्पोरेंजियम के अंदर ही रहता है और यही प्रॉपर्टी कहलाती है सीड हैबिट। द ओरिजिन ऑफ सीड हैबिट इज एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो यदि हम बात करें कि सीड हैबिट का ओरिजिन कैसे हुआ, कैसे जो ओव्यूल्स हैं या मेगा स्पोर हैं वो कैसे ही मेगा स्पोरेंजियम के अंदर रहने लगे, तो ये ओरिजिन के बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें जानना जरूरी है और इसी हेडिंग के थ्रू हम लोग इसके ओरिजिन को समझेंगे। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट रहेगा प्रोडक्शन ऑफ टू टाइप ऑफ स्पोर, दैट इज कॉल्ड हेट्रोस्पोरी। वही बात करें अगर हम सेकेंड पॉइंट की, तो सेकेंड पॉइंट रहेगा रिटेंशन ऑफ मेगा स्पोर। थर्ड पॉइंट रहेगा इंट्यूगमेंट फॉर्मेशन और फोर्थ और लास्ट जो पॉइंट रहेगी इवोल्यूशन ऑफ पोलन ट्यूब। तो इन फोर पॉइंट्स के थ्रू हम लोग इवोल्यूशन ऑफ सीड, दैट मीन्स हम इसके ओरिजिन के बारे में जानेंगे। तो आइए वन बाई वन हम हर पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ हेट्रोस्पोरी, इसको समझेंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि जो हेट्रोस्पोरी होते हैं उनमें दो तरह के स्पोर बनते हैं। तो हेट्रोस्पोरी के पहले हम जान लें कि इनके एंसिस्टर कौन से थे। तो जैसा कि आप स्ट्रक्चर यहाँ पे देख रहे हैं वो है स्पोरेंजियम और स्पोरेंजियम में इसके अंदर बने हुए हैं स्पोर। तो जो हमारे लोअर प्लांट थे जैसे कि एल्गी है, ब्रायोफाइटा है, तो इनमें क्या बनता था, एक ही तरह के स्पोर बनते थे और जो एक ही तरह के स्पोर होते हैं उसको हम बोलते हैं होमोस्पोरस। तो कहने का सेंस है कि जो लोअर प्लांट थे उनमें एक ही तरह के स्पोर बनते थे, वो थे होमोस्पोरस। तो होमोस्पोरस में होमो मतलब होता है सेम, स्पोरस मतलब स्पोर, तो उसमें एक ही तरह के स्पोर बनते थे। तो जो पुराने एंसिस्टर थे वो होमोस्पोरस थे, लेकिन जैसे जैसे सीड का ओरिजिन स्टार्ट हुआ तो वो कन्वर्ट होने लगे हेट्रोस्पोरी में। तो जैसा कि हम लोग टेरिडोफाइट्स में देखते हैं कि दोनों पाए जाते हैं, होमोस्पोरी और हेट्रोस्पोरी दोनों पाए जाते हैं। तो हेट्रोस्पोरी में क्या होता था, दो तरह के स्पोरेंजिया बनने लगे, एक माइक्रोस्पोरेंजिया बनने लगा और दूसरा मेगा स्पोरेंजिया बनने लगा। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर जो स्पोर बनता था उसे हम बोलते थे माइक्रोस्पोर और मेगा स्पोरेंजिया के अंदर जो स्पोर बनता था उसे बोलते हम मेगा स्पोर। तो माइक्रोस्पोरेंजिया के स्पोर जो थे बहुत छोटे थे, वो मेल गैमेट का फॉर्मेशन करते थे और मेगा स्पोरेंजिया के अंदर जो स्पोर बनते थे वो बड़े थे जो कि बनाते थे फीमेल गैमेट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दो अलग अलग प्रकार के स्पोर हैं, इसलिए इनको हम बोलते हैं हेट्रोस्पोरी। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, स्पोरी मीन्स स्पोर। तो हेट्रोस्पोरी में दो तरह के स्पोर बनते थे, माइक्रोस्पोर और मेगा स्पोर। माइक्रोस्पोर से बनता था मेल गैमेट और मेगा स्पोर से बनता था फीमेल गैमेट। तो ये जो स्पोर होते थे ये एक्सोस्पोरस होते थे, वो बाहर निकलते थे और जर्मिनेट करके आपके मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट बनाते थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जब सीड का ओरिजिन होना स्टार्ट हुआ तो ये जो फीमेल गैमेट थे मतलब जो मेगा स्पोर था वो बाहर निकलना बंद कर दिया।
और मेगा स्पोरेंजियम के अंदर ही रहना शुरू कर दिया। तो एक तरह से ये कैसा हो गया, इंडो स्पोरी हो गया। इंडो मतलब हो गया विद इन द मेगा स्पोरेंजियम, और इस तरह से स्टार्टिंग हो गया आपके सीड हैबिट का। तो जैसा कि हम लोगों ने सेकेंड पॉइंट में देखा था, हेडिंग था रिटेंशन ऑफ मेगा स्पोर, तो जो मेगा स्पोर थे अब वो मेगा स्पोरेंजियम के अंदर ही रहना शुरू कर दिए। आइए बढ़ते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट की ओर, जो कि था इंट्यूगमेंट फॉर्मेशन। तो जैसा कि हम लोगों ने जिम्नोस्पर्म में देखा होगा या एंजियोस्पर्म में देखा होगा कि ओव्यूल्स के चारों तरफ एक लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं इंट्यूगमेंट। तो जो कार्बोनिफेरस पीरियड है 280 से 350 मिलियन ईयर एगो, MYA का मतलब है मिलियन ईयर एगो, तो 280 टू 350 मिलियन ईयर एगो में क्या हुआ कि जो मेगा स्पोर है, जो ब्लैक कलर से आपको दिख रहा है ये मेगा स्पोर है, और मैंने बताया था मेगा स्पोर किसके अंदर पाए जाते थे, मेगा स्पोरेंजियम के अंदर। अब मेगा स्पोरेंजियम के बाहर जो थे आउटग्रोथ थे, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं ऊपर की तरफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहा है, वो सभी क्या है आउटग्रोथ है। अब ये जो आउटग्रोथ थे वो धीरे धीरे आपस में फ्यूज करना प्रारंभ किए, मतलब आपस में ये एक दूसरे से मिलने लगे। तो जैसे जैसे ही ओरिजिन स्टार्ट हुआ सीड का, तो ये जो फ्यूज़न हुआ, मतलब ये जो आउटग्रोथ फ्यूज होने लगे, तो जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके फ्यूज़ किए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जो स्टार्टिंग में है आपको लगभग आउटग्रोथ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कुछ दिख रहे हैं, ये फ्यूज़ हो गए, और फ्यूज़ होकर लास्ट में यहाँ पे आपने देख रहे हैं कि थर्ड वाले में लगभग 4 to 5 है, और एटलीस्ट लास्ट में वो फ्यूज़ करके सभी एक जैसे हो गए। तो इस तरह जो मेगा स्पोर थे वो अंदर कवर हो गए, और ये जो कवर्ड करने वाला स्ट्रक्चर था वो था इंट्यूगमेंट। अब हम सभी जानते हैं कि ओव्यूल्स के फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है सीड। अब जो सीड बने, तो सीड क्या थे, इंट्यूगमेंट अर्थात फ्रूट के अंदर ही कवर्ड थे, तो फ्रूट के अंदर कवर्ड थे, तो इससे ये प्रॉपर्टी थी कि जो सीड होते हैं अपने आप को एडवर्स कंडीशन में, या प्लांट अपने आप को एडवर्स कंडीशन में बनाए रखता है, और इस तरह से सीड का ओरिजिन जो हुआ वो स्टार्ट हुआ। तो इस प्रकार आज के जो वेल डेवलप्ड प्लांट हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट, चाहे वो मोनोकॉट हों और डाइकॉट हों, तो उनमें जो फ्रूट्स होते हैं वो सीड बियरिंग होते हैं, वो जो सीड होते हैं अपने अंदर रिजर्व फूड मटेरियल रखते हैं जो कि एडवर्स कंडीशन में पड़े रहते हैं, और फिर से जब उन्हें अच्छा कंडीशन मिलता है, फेवरेबल कंडीशन मिलता है, तो वो जर्मिनेट करके नए प्लांट का फॉर्मेशन करता है। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट की ओर, डेवलपमेंट ऑफ पोलन ट्यूब। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो लोअर प्लांट थे जैसे कि ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स या एल्गी, तो उसमें जो गैमिट्स बनते थे, चाहे वो मेल गैमिट हो, तो उनमें फ्लैजला पाई जाती है, और वाटर के थ्रू वो क्या करते थे, फीमेल गैमिट के पास जाते थे। तो इस तरह से उनके लिए वाटर बहुत ही इसेंशियल था आपके फर्टिलाइजेशन के लिए, बट ये ऐसा कंडीशन किसमें था, लोअर प्लांट में। लेकिन जैसे जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि जो मेगा स्पोर हैं वो वेल कवर्ड हो गए और बहुत अंदर की तरफ हो गए, तो यहाँ पर मेल गैमिट का पहुँचना कठिन था। तो अब धीरे धीरे क्या हुआ, तो जो मेल गैमिट है, तो यदि हम बात करें मेल गैमिट की हायर प्लांट में, तो वो थे पोलन ग्रेन, और पोलन ग्रेन के अंदर बनते थे स्पर्म। तो जो पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन अब क्या कहता था कि आपके मेगा स्पोरेंजियम के ऊपर पहुंचना स्टार्ट किया। अब उसमें क्या बनते थे, एक लार्ज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनती है जिसे हम बोलते हैं पोलन ट्यूब, और इसी पोलन ट्यूब के थ्रू जो स्पर्म होते हैं वो पहुंचते हैं ओव्यूल के पास। अब जब ओव्यूल मैच्योर हो जाता है, रिपेंड हो जाता है, तो मैच्योर होने के बाद जो स्पर्म होते हैं वो ओव्यूल से फ्यूज़ कर जाते हैं, और फ्यूज़ करने के बाद होता है फर्टिलाइजेशन, और उस फर्टिलाइजेशन के थ्रू बनता है सीड। तो एक तरह से हम सीड को क्या कह सकते हैं, जो फर्टिलाइज ओव्यूल होता है वही क्या कहलाता है, सीड कहलाता है। और ये जब सीड आपके मेगा स्पोरेंजियम के अंदर ही रहते हैं, उसी को हम बोलते हैं सीड हैबिट। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जो सीड हैबिट होता है, सीड का मेगा स्पोरेंजियम के अंदर रहना ही कहलाता है सीड हैबिट। और सीड होते क्या हैं, जैसा कि मैंने बताया कि जो फर्टिलाइज ओव्यूल होते हैं वही सीड होते हैं। ओव्यूल क्या है, ओव्यूल एक तरह से मेगा स्पोर है जो कि मेगा स्पोरेंजियम के अंदर पाया जाता है, और ये ओव्यूल किस में बनते हैं, जो स्पर्मेटोफाइट होते हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, जो कि आज के डेवलप प्लांट हैं, उनके अंदर ओव्यूल पाया जाता है। लेकिन जो लोअर प्लांट थे, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स, कुछ टेरिडोफाइट्स, उनके अंदर होमोस्पोरस थे, एक ही तरह के स्पोर बनते थे, और वही आपके मेल और फीमेल गैमेटोफाइट की तरह बिहेव करते थे। From the above observation, it is concluded that
लाइफ हिस्ट्री ऑफ सेलिनेला अप्रोचेस टूवर्ड सीड हैबिट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग फीचर। तो अगर हम बात करें सेलिनेला में, तो सेलिनेला में जितने भी हम लोगों ने पीछे पॉइंट देखे हैं, जितने भी कंक्लूजन निकाले हैं, वो सभी फीचर्स सेलिनेला के अंदर मिलते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे। तो अगर हम बात करें फर्स्ट पॉइंट की, द अक्रेंस ऑफ फिनोमिनोन ऑफ हेट्रोस्पोरी, तो हम सभी जानते हैं कि सेलिनेला क्या है, हेट्रोस्पोरी है। अगर बात करें सेकेंड पॉइंट की, जर्मिनेशन ऑफ मेगा स्पोर इनसाइड द मेगा स्पोरेंजियम, और जो सेलिनेला है उसके मेगा स्पोर जो होते हैं मेगा स्पोरेंजियम के अंदर ही जर्मिनेट करते हैं, बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट की है, रिटेंशन ऑफ मेगा स्पोर इनसाइड द मेगा स्पोरेंजियम आइदर टिल द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट और इवन आफ्टर फर्टिलाइजेशन। और जो मेगा स्पोर होती है वो मेगा स्पोरेंजियम के अंदर तब तक पड़ी रहती है जब तक कि फीमेल गैमेटोफाइट न बन जाए या फिर फर्टिलाइजेशन न हो जाए। और बढ़ेंगे फोर्थ पॉइंट की ओर, डेवलपमेंट ऑफ ओनली वन मेगा स्पोर पर मेगा स्पोरेंजियम, फॉर एग्जाम्पल इन सेलिनेला मोनोस्पोरा, सेलिनेला रुपेस्ट्रिस, सेलिनेला एरिथ्रोपस ईटीसी। और जो मेगा स्पोर थे, प्रत्येक मेगा स्पोरेंजियम में बस एक ही मेगा स्पोर बनते थे, और ऐसा कंडीशन आपके सेलिनेला की कुछ जातियों में पाया जाता था, जैसा कि सेलिनेला मोनोस्पोरा है, इसमें एक मेगा स्पोरेंजियम में बस केवल एक ही मेगा स्पोर बनता है। तो यदि अगर हम सेलिनेला और जो लोअर स्पर्मेटोफाइट्स हैं, मतलब कि जिम्नोस्पर्म की, अगर होमोलॉजी देखें, अगर दोनों की सिमिलरिटी देखें, तो हम इमेज में देख सकते हैं कि जैसे सेलिनेला में क्या है, मेगा स्पोरेंजियम में, मेगा स्पोरेंजियम के अंदर एक मेगा स्पोर है जो कि फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करता है, उसमें आर्चिगोनियम और एक बनते हैं। वही अगर हम बात करें लोअर स्पर्मेटोफाइट जिम्नोस्पर्म में, जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं, न्यूसिलस ऑफ ओव्यूल है, उसके अंदर बना है मेगा स्पोर जिसे हम बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। तो जिम्नोस्पर्म में मेगा स्पोर नहीं होता, क्या होता है, एम्ब्रियो सैक होता है, उसके अंदर होते हैं एंडोस्पर्म, आर्चिगोनियम और एग होते हैं। तो दोनों के केस में कितनी सिमिलरिटी आपको दिख सकती है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि टेरिडोफाइट से ही ओरिजिन हुआ है आपके ओव्यूल की। पर एक क्वेश्चन आता है कि इतनी चीज़ें जब सिमिलरिटी थी तो सीड का फॉर्मेशन क्यों नहीं हुआ, आइए भी समझते हैं। मेगा स्पोरेंजियम इज नॉट सराउंडेड बाय इंट्यूगमेंट, तो इनका जो मेगा स्पोरेंजियम था वो इंट्यूगमेंट के थ्रू घिरा हुआ नहीं था, लेकिन जैसा कि हम स्पर्मेटोफाइट्स में देखते हैं कि उनमें जो मेगा स्पोरेंजियम होते हैं वो इंट्यूगमेंट के थ्रू घिरे होते हैं। द रिटेंशन ऑफ मेगा स्पोर परमानेंटली इन साइड द मेगा स्पोरेंजियम हैज़ नॉट बीन वेल स्टेबलाइज, और इनमें जो मेगा स्पोर होते हैं वो परमानेंटली मेगा स्पोरेंजियम के अंदर नहीं पाए जाते। द एम्ब्रियो इमिडिएटली गिव राइज टू द स्पोरोफाइट विदाउट अंडरगोइंग ए रेस्टिंग पीरियड, और इनमें जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है तुरंत स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन कर देते हैं, और ये किसी भी रेस्टिंग पीरियड में नहीं जाते, जबकि आप जिम्नोस्पर्म में देखते हैं कि ये रेस्टिंग पीरियड में जाते हैं, और इनका रेस्टिंग पीरियड क्या होता है, सीड होता है। तो इस तरह से सेलिनेला इन कारणों से इनमें सीड का फॉर्मेशन नहीं होता। आई होप कि दोस्तों आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, बहुत मेहनत करनी होती है आपके लिए इन पॉइंट के वीडियो बनाने के लिए, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट पा सकें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यदि आपको वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी आपको कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ हमें कमेंट करिए, मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।